वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? और आज है मेरी एनिवर्सरी, तो कोई अगर मुझे गिफ्ट देना चाहता है तो प्लीज़ दे दीजिए गिफ्ट। कोई बात नहीं, हम गिफ्ट ले लेंगे आपसे, हम आपसे गिफ्ट ले लेंगे। तो देखें, ये है मेरा खान का तोरा और ये है मेरी शोनिका को मछनी। हाँ परी फारो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू डू। फरमान अली वारिस, फरमान अली वारिस, जानम फिदा हैदरी, या अली अली अली। फरमान कुछ बोलो, या हाँ बोलो। खान का तोरा मबेटा छिजादा, हैप्पी बर्थडे तू जू, हैप्पी बर्थडे तू जू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू जू। फाड़ो। तो गाइस, हमने ना शादी के लिए चीजें ली हैं, तो हम आपको सब अपनी चीजें दिखाएंगे एक एक करके। फार्म के लिए भी हमने सूट लिया है, शूज़ लिया है, सब कुछ। हमने अपनी शॉपिंग का आज व्लॉग दिखाना है कि हमने शॉपिंग डन कर ली है, डन डन है हमारी शॉपिंग। तो मेरी भाभी लेने गई हुई है शूज़, क्या पता वो कब तक आती हैं। जब वो आएंगी तो हम आपको शूज़ दिखाएंगे। वाह, सिर्फ फरमान का शूज़ नहीं आया, बाकी सबका आ गया है, और मेरे भाई का और उसका नहीं आया, फरमान का। हाँ हाँ अल्लाह। फारो शूज दिखाओ, सब एक एक करके शूज दिखाओ आप। फारो रुक जाइए, फारिया शूज दिखाएगी आपको। हाँ की जूती, फारम की, ये ऊपर बैठी है फारम, इधर मुंह करो फारो, मछली का जूता है परा ये वाला। और ये है फरमान का, ये है लाइबा का और मम्मा का, और ये रिमछू का, और ये देखिए ये कितनी सोनी है पड़ी, ये है मेरी मॉम की। और ये तो आपको पता है कि ये किसका शूज है पड़ा, और ये है पड़ा मेरी भाबो का, और ये मेरी बहन का। आपको दिखाऊं इस तरह करके, मेरी बहन कहेगी मेरा शूज़ नहीं दिखाया। ये है लाइबा का शूज़, और ये है हुदैद का, और शराज और मुजाहिद का नहीं है शूज़, वो खुद ले लेंगे अपना बाद में। तो देखें हमारा शूज़ का सबका कॉम्बिनेशन इतनी बड़ी लाइन में। और ये मैंने ये डाला हुआ है कि ये भी इनके साथ ही न्यू था। ठीक है गाइस, तो हम आपको भी अपना सूट दिखाते हैं। ये फार्म का सूट है पड़ा, इसकी टोपी और ये सूट प्यारा है, कलर इस तरह का मेरा भी है। फार्म और मैं, हम एक से साथ कपड़े डालेंगे ऐसे वाला कलर। और ये रहा मेरे शहजादे बेटे का, शादी पे जाएंगे हम तो ये मेरा बेटा डाल के जाएगा, और ये डालेगी फारो। वाओ, गुड गुड गुड, वाओ। फरमान तो ये वाला सूट डालेगा और फारो ये वाला डालेगी। हाँ बहुत छोने लगेंगे फारो और फरमान छात में। ओके गाइस, फ्रेंड्स, गाइस जो भी है ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। और फिर हमें लग गई थी बहुत ज्यादा भूख, तो इसका इलाज हमने ढूंढा के हम पिज्जा खा लेते हैं। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स ये देखे मॉम का सूट सिल गया है, ये मेरी मॉम ने खुद सी है, कितना प्रीटी सूट है, गुड वेरी गुड मेरी मॉम को। मैं अपनी मॉम नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन मेरी मॉम की तरह ही बहुत ही खूबसूरत सूट है पड़ा ये। मेरी मॉम का शोर लड़ पड़ेगा अगर मैं अपनी मॉम दिखाऊंगी आपको तो। और ये मेरी मॉम का दुपट्टा है पड़ा, और मेरे मुंह पे अभी लानत वजी है कि मैंने कहा अब मेरी माँ को शोहर लड़ पड़ेगा। तो ये है मेरी मॉम के क्या कहते हैं सपांच पाँव वाले घाघरे, और ये मेरी मॉम इन पाँव में अपने डालेगी ऐसे, बहुत प्यारी लगेगी। ये मेरी मॉम का दूसरा सूट है, मैं आपको दिखा दूँ जल्दी जल्दी वरना मेरी मॉम व्लॉग से पहले लड़ पड़ेगी। इसका दुपट्टा है प्रीटी खूबसूरत मेरी माँ की तरह। इसकी कमीज़ भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को गाइस। हमारे साथ मम्मा बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करती हैं, जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं अपने दो दो लेती हैं सूट और हमारा एक एक। ये मेरी माँ का सूट दूसरा नंबर वन। ये देखें कितना प्यारा सूट है बड़ा। देखें मेरी माँ ने बतिया बुला दी है कि मेरा सूट प्यारा आए, कितना खूबसूरत है ये सूट। हमें बहुत पसंद नहीं आया इसका कलर वैसे इतना, क्योंकि ये बूढ़ियों वाला कलर है। साथ बात करती हूँ। अच्छा। फारूक बात कर। हाँ फारूक बात कर, मामू के साथ बात करा दो कोई फारूक के। फारूक बात कर लो, अस्सलाम वालेकुम, मामू के साथ बात करा दो फारूक के। हेलो अस्सलामुअलैकुम, फोन कर इचका छात करो, इचका छात फोन करो इचका छात। गाइस मैं कर रही हूँ सुथराई सफाई, तो कुछ तो हो चुकी है सफाई, कुछ रहती है तो मैं कर रही हूँ। अंदर से तो हो चुकी है सफाई, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बच्चा है पड़ा। यहाँ से ये चीज़ पड़ी है, ये मैं उठा लूँगी यहाँ से, और यहाँ पे नच बलिए लगा पड़ा है, और मुझे बड़ा पसंद था नच बलिए, नच बलिए। तो साफ़ सफाई करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स हम ना सफाई कर रहे हैं सफाई, तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना आपको भी दिखाऊं कि कैसे मैं सफाई करती हूँ। ये ना कल मुझसे ना यहाँ पे दूध गिर गया था, कल गिरा था हाँ, तो वही मैं ना सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कचरा किचन में नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे रूम गंदा हो जो मर्जी हो, लेकिन किचन साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि मुझे ना फिर काम करते हुए ना बहुत ज़्यादा ना उलझन होती है किचन में, अगर ना किचन गंदा हुआ पड़ा रहे ना। हाँ ये भी है कि मैं इतनी भी सफाई नहीं कर सकती, कभी कभी तो हो जाता है कि गंदा मंदा रख लेती हूँ, लेकिन ना ज़्यादा दिन नहीं, जैसे कि तीन दिन दो दिन कचरा रहे नहीं कर सकती सफाई। तो चमक टिप टॉप हो गया हमारा चूल्हा किचन, देखिए हम नीचे से करेंगे सुथराई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू के सफाई करके कैसा आ रहा है। फ्रेंड्स हम इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मैंने आपको दिखानी थी जगह तो इसलिए मैंने व्लॉग को रोक के रखा था। मैंने सब कुछ कर लिया है, सब सफाई सुथराई सब कुछ हो गई थी, ये मतलब जगह जगह पे निशान तो हैं पड़े, क्या कर सकते हैं। मैं दाल बना रही हूँ इस टाइम, हमारी बन रही है दाल हम दाल। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम सुबह, खुदा हाफिज़। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को।